ये क्लास एट का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें 1 से 6 नंबर तक ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आंसर्स आपको गिवन होंगे और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 का क्यूब रूट निकालना है आपको। तो आपको पहली बात तो क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। यह 1000 की जगह यहाँ पर 10,000 भी हो सकता था, और कोई भी डिजिट हो सकती है, और आपसे वो क्यूब रूट पूछ सकता है या केवल रूट भी पूछ सकता है। इसकी एक टेबल देता हूँ मैं आपको अभी, उसको देखिए और याद कर लीजिए। ये है टेबल जिसमें क्यूब गिवन है, क्यूब रूट गिवन है। आइदर क्यूब रूट गिवन होगा, क्यूब पूछा जाएगा, और क्यूब गिवन होगा तो क्यूब रूट पूछा जाएगा, या क्यूब रूट होगा तो क्यूब पूछा जाएगा। ये वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और भी वैल्यूज़ होती हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, क्यूब रूट में जब भी कभी क्वेश्चन में माइनस हो तो आंसर माइनस में ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। ये परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स का टेबल है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निकालना है। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो इजीली निकल जाएंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसके फॉर्मूले भी मैं आपको शो कर देता हूँ, आपके 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फॉर्मूले हैं जो आपके चैप्टर्स में, उन्हीं में से आएंगे। अदरवाइज़ ये फार्मूले नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद में और भी डिफ़िकल्ट होते हैं थोड़े से, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहे फार्मूले, इसमें से आप देख सकते हैं, और जैसे जैसे क्लासेस आई रहोगी वैसे वैसे बढ़ती जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको, एंगल बताना है आपको, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल। ये कौन सा चैप्टर है आपका, पॉलीगॉन्स, उसमें से आता है क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल। इनके फार्मूलाज होते हैं, इन फार्मूलाज से आंसर्स आपके आते हैं। ये क्वेश्चन अभी 8 नंबर का है, बाद में ये और आएगा, तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स इन क्वाड्रिलेटरल। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ डायगनल्स क्या होते हैं, n(n-3)/2। ये आपके चैप्टर में गिवन है, इजी क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम देख करके आप ये मत सोचिए क्वेश्चन कुछ हार्ड होगा, बट क्वेश्चन आता है, इजी आता है। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, आंसर्स आपके आ जाएंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो आप चाहें तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। ये है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब। तो हमारे पास फॉर्मूला याद है आपको, यूलर्स फॉर्मूला। ये कुछ डायग्राम्स हैं, उनमें फेसेस, वर्टिसेस, एजेस कितने होते हैं, ये आपको मैंने दे दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप इससे भी आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट फिगर आते नहीं हैं, आपका फिगर नंबर 1 आएगा या फिर फिगर नंबर 3 आएगा, ऐसे जनरल क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बुक में हैं, और उसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा आपका, यूलर्स वाला। ये रहा जैसे कि एक डायग्राम गिवन है और इसका फाइंड आउट करना है, तो फेसेस 6 हैं, वर्टिसेस 6 हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और एजेस कितने हैं ये भी हमारे पास है। तो सबके क्वेश्चंस में आंसर्स मैंने दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी बेसिकली जब टाइम मिलेगा तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अपलोड कर दूंगा। ये देखिए, इसमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस गिवन है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट होता है इनकी वैल्यू। कि देखिए, एक
रेक्टेंगल शेप में क्यूबॉइड है, इसमें एजेस वर्टिसेस एंड फेसेस गिवन है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में, और उसको हम क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, क्योंकि आपको डायग्राम में शो कर रहा हूँ, शो हो चुका है, देखिए इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो एक्स लाइन में वेरी करती है उसे हम एब्सिका कहते हैं, हिंदी में कोटी बोल रहे हैं, तो ऊपर वाले दोनों में से कोई एक आंसर आएगा इसका, तो आंसर ए है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स, ये आराम से आप निकाल सकते हैं, आपको पता है जब बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, और आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से आएगा, तो आप इसको आराम से देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन में से देखें तो ये सिंपलीफाई का क्वेश्चन है, और ये हमेशा आता है, 100% आएगा, चाहे कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट ये आएगा, ये आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका टेंथ यूलर्स वाला इक्वेशन वर्टिसेस फेसेस एंड एजेस, मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, तो इसमें या तो डायग्राम गिवन होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपको गिवन होगा एजेस नंबर ऑफ वर्टिसेस तो आपको फेसेस पूछ लेगा, डायग्राम भी हो सकता है और आंसर आपको ऐसे भी देना पड़ सकता है। एक आएगा क्वेश्चन आपका ग्राफ वाला, चैप्टर आई थिंक 16 होगा, तो उसमें से आएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछना है, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो किस में हमने खर्च किया है, तो मैक्सिमम अमाउंट इज़ एक्सपेंडेड इन वाहन, वाहन यानी व्हीकल परचेज ऑफ व्हीकल में, और कितनी है ये 30 लाख, तो हमारे पास आंसर है। और नेक्स्ट है टॉयलेट बनाने में कितना आपने अमाउंट जो है लगा, तो उसको भी आप देख सकते हो, इससे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 12th, ये फर्स्ट चैप्टर में से आता है रैशनल नंबर, इसमें से रैशनल नंबर को ये क्वेश्चन आएगा, या फिर थोड़ा सा चेंज भी कभी कभी हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4-digit नंबर 7x6 डिविजिबिलिटी आपको याद होना चाहिए, डिविजिबिलिटी चैप्टर में से आएगा, और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। 14 क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन है आपके आएंगे वैदिक मैथ से, नया चैप्टर है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो त्रिभ्याम आता है, और ध्वजांक मेथड भी आता है, ध्वजांक मेथड भी इसी है, और उद्रग्याभ्याम भी दोनों इजी हैं, दोनों में से कोई एक आता ही आता है, एक करना होता है, कभी कभी निखिलम सूत्र भी आता है शायद अगर आपके है तो। उसके बाद हम देखें आइडेंटिटीज यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15 तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आ रहा है, इसमें हम 100 को क्या ले सकते हैं, 100 और 3 को ले सकते हैं, 100 + 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं 70 + 2 and 70 - 2, तो इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। 17th क्वेश्चन आपका डायगोनल का है जो एरिया में से आएगा, और इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, चैप्टर नंबर 14 d1 into d2, 1/2 into d1 into d2, तो आंसर आपका इससे आ जाएगा।
इसके आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं क्वेश्चन 18। 18 में ये तीन चार क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से किसी दो को करने के लिए कहेगा, या कभी कभी एग्जामिनर का माइंड है तो दो ही देगा और दो ही करने को कहेगा, माइंड सेट के ऊपर है। तो ये कौन सा है आपका, फैक्टराइजेशन में से आपको याद होगा, फैक्टराइजेशन चैप्टर जो आपका है 10th, एनी टू और एनी थ्री ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, 100% आएगा, सिमिलर वे रहेगी, यही क्वेश्चंस रहेंगे, केवल वैल्यूज चेंज होंगी 110%। नेक्स्ट 19th नंबर, चैप्टर नंबर 11 में से 20 नंबर, फाइंड द साइड और एंगल, ये फिक्स क्वेश्चन है, अगर साइड गिवन होगी तो साइड निकालना पड़ेगा और एंगल गिवन होगी तो एंगल निकालना पड़ेगा, ये फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा 110%। हम 21 क्वेश्चन देखें तो उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूले लगेंगे। 22 नंबर, 22 नंबर में आपका क्या आएगा, आपका 21 नंबर में आ जाएगा पाई चार्ट, पाई चार्ट के हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 22 नंबर में लॉस प्रॉफिट है, सॉरी, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से आएगा, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला हमें पता है, उसके बेसिस पे आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके आगे 23 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शंस जो भी आपके कंस्ट्रक्शन है उसमें से कोई भी एक आ सकता है, और वहाँ पर आपको पॉइंट ज़रूर लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज नंबर आपके दिक्कत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24th, इसमें सिलेंडर या फील्ड बुक में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, सिलेंडर की जगह ये होलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और फील्ड बुक अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करिए, और बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसको, लेकिन याद रहे ये फील्ड का क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और इसकी तैयारी बढ़िया से कर लें। 25th क्वेश्चन है वो जो आएगा लीनियर ग्राफ से, लीनियर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, अभी हम देखेंगे इसको, और इसका एक और पार्ट भी आ सकता है, ऐसा ही आएगा, कभी कभी ऑप्शनल होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका ग्राफ हम अभी सर्च करके दिखाते हैं आपको कि कैसा होता है, इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और सेंटर से पास होगा, लीनियर ग्राफ, ये आपके क्लास की नहीं है, मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा टॉपिक, 8th क्लास, क्लास 8th में जो है वो ये, हाँ ये नीचे जो दिया है जो देखिए बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, ये ग्राफ आता है आपके, ऐसा ही ग्राफ उन दोनों इक्वेशन से बनेगा, बस वैल्यूज चेंज होंगी, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।